Welcome back in the fourth part of my SLC course. तो ये हमारी last night थी जिसमें हमने बहुत ही हल्ला गुल्ला किया. Let's see the full video. कुछ सीन होने वाला है. आज सारों की इंस्पेक्शन होगी, सारों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो गए और सारे अब जाने वाले हैं. तो इसके बाद मैं सारों का व्यू पॉइंट लूँगा. ये हमारे हमजा साहब बहुत ही नाइस पर्सन है. हाँ जी तो जनाब ये यहाँ पे हम गेम खेल रहे थे जिसकी वजह से इसी गेम के दौरान मुझे चोट लगी थी. जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ एंड में जहाँ के मैं कहीं बैठा हूँ तो बहुत बहुत दर्द हुआ था मुझे, जो कि अभी तक इसका दर्द ख़त्म नहीं हुआ. और ये हमारी दूसरी एक्टिविटी थी जिसमें हमने परफॉर्म करना था बगैर बोले, सिर्फ एक्ट करना था और दूसरी टीम को बूझना था. जो भी बता देती तो वो विन कर जाती टीम, और इसमें हमने विन किया था. हमारी एक्टिंग बहुत लाजवाब थी, फर्स्ट पोजीशन हमने ली थी. हुर्रे. बोले हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए. अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो. मतलब कि कुछ भी दिखाया जा सकता है, इससे अच्छा तो मेरा एक मुर्गा है वो भी डांस कर लेता है. इन चवलों को देखो कि कैसे डांस कर रहे हैं. पता नहीं ऐसा लग रहा जैसे कोई रात को जिन या चुड़ैल चिमड़ गई है इनको. जब मेरे दोस्त को उसके जिया छोड़ के चले गए और ले दूसरे दोस्त मजे करते हुए कार गई. ये हमारी आज कैंपिंग की लास्ट नाइट है. आज लास्ट कैंपिंग है. खुद को दिखा रहा है. Wait a minute. Who are you? भाई ने जो हमारे साथ जलालत किया ना बीसी के सामने, बकवास कर रहा है. मैं नहीं आ रहा यार. भाई ने हम सबको जलील किया, अच्छे वाला का जलील किया. और तूने जो मिट्टी उड़ाई है ना, बहुत गंदी मिट्टी उड़ाई है तूने. बकवास कर रहे हैं. नहीं ये बकवास नहीं है, ये वो लोग हैं जिनकी मैंने क्यादत की और मेरी क्यादत में ये हर मैच जीते हैं. दो मिनट. और ये मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी टीम आने दे यार. ओ देख ये मेरी टीम की वजह से हुआ है. देख मेरी सुन, तूने जो मिट्टी उड़वाई है ना. अच्छा भाई चुप कर जा, वो रात की बात है.
मुझे पहले ये वीडियो बनाने दे। ये आज हमारी लास्ट नाइट है जिसकी वजह से आज सारे अलविदा कहेंगे एक दूसरे को। उसके बाद फिर सूरज जल रहा है, ये गर्ल्स की इंस्ट्रक्शन। आपका क्या नाम है? रुमान असलम। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपको ये कैंपिंग कैसे लगी? आपने यहाँ पे 7 डेज गुजारे और आपको क्या तकलीफ मतलब पहुँची और क्या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ की तो कोई बात नहीं थी, सिर्फ थोड़ा सा टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है माशाल्लाह। इनकी हमने व्यू ले ली और आप फीडबैक को बचाए। ठीक है जी मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो कोई नहीं यार, ऐसे ही सीखता है बंदा। आप भी आप क्लोज कर दीजिए। ग्रुप बिन कासिम के उसमें स्काउट ग्रुप में जा रहे हैं। अब हम इनसे अपने रिकॉर्ड्स लेंगे कि आप इन 7 डेज के बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शुमरोज़ भैया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके आपने यहाँ पे 7 डेज तो आपका फीडबैक क्या है इस बारे में, आप बताएंगे क्या? इतना नहीं था कि जिस तरह जो है ना हम इतना कुछ सीखेंगे, इतना हमें मुल्तान से जो है ना प्यारा मिलेगा। आप लोग जितने भी कैंपस से हमें जाना बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छे और कैंपिंग के लिए सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से मैंने किए हैं पहले भी, लेकिन इधर आके जो ये मज़ा आया सच में पहले कभी नहीं। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया और जितने भी कैंपस हैं जितने भी स्टाफ ट्रेनर्स उन सबका बहुत शुक्रिया, सबने हमारा अच्छा ख्याल रखा है। ठीक है, और मेहमान नवाजी में मेरे ख्याल से मुल्तान सबसे बेहतर है। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आप लोगों को विजिट करेंगे। और ये आप जो लोग बना रहे हैं इसके थ्रू मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी स्काउट जितने भी ट्रेनर्स यहाँ आए हम सब सबको ओपनली इन्वाइट करते हैं, चित्राल आए वहाँ पे एक अच्छा सा बड़ा सा कैंप करेंगे हम आप लोग। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आबिद भाई हम जरूर चक्कर लगाएंगे। ये हमने सुना था और आज हमने देख भी लिया कि चित्रारी बहुत ही दिलान होते हैं, बहुत ही अच्छे और नाइस होते हैं और मेहमान नवाज होते हैं। तो इनके लिए मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक। सर आपका नाम? सही है सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे 7 डेज गुजारे तो आपका क्या फीडबैक है? जी हमारा एक काफ़ी अच्छा इवेंट था, काफ़ी इंटरेक्टिव था, लड़कों ने काफ़ी कुछ सीखा। जिस तरह आपने कैंप विजिट किए होंगे उनके गैजेट वर्क और ये सब एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज़ के ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में ये काफ़ी फॉर्मल एजुकेशन जो है वो तो कम्प्लीट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ इनफॉर्मल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमारी ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं। ये एक इनफॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा था और पाकिस्तान बॉय स्काउट्स एसोसिएशन इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाती जाती है। और आई एम ग्लैड कि ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी इंस्टीट्यूट ने एसोसिएशन के अलावा ये इवेंट मुनद करवाया। आई होप कि ये स्काउटिंग के लिए नई रानी कसिम साहब आपने सीख लिया। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक गुड मैसेज देना चाहें स्काउट के बारे हर किसी पूरी आवाम को। जी शुक्रिया शमो साहब। ऐसा है मेरा मैसेज यही है कि आपके इलाके में या आपकी सराउंडिंग में कोई भी अच्छा काम है आप वो करें। स्काउटिंग सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने का नाम नहीं है, स्काउटिंग एक फैशन है जो आप बगैर यूनिफॉर्म के भी खिदमत खल्क करके उससे मसरूर हो सकते हैं। शुक्रिया आपने अपने अच्छे ख्याला कर रहा हूँ। ट्रेनिंग का एंड हो चुका है और ये हम अभी बैठे हैं सुनसान जगह पे, देख सकते हैं जहाँ पे पहले कैंप लगे हुए थे। ये अब इसका सीन है कुछ ऐसा।
अब क्या कर सकते हैं, आप सारों को मिस कर रहे हैं, बैठे हैं, आपको बचाएं। ठीक है जी मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। हाय जल्दी से मेरी बाइक आए और मैं जाऊं। ये देख क्या, क्यों देख के मुझे हंस रहा है सर? सॉरी सॉरी सॉरी। किस लिए, मतलब किस लिए? आप इतने सैड बैठे थे, मैंने कहा अबे भाई 7 दिन से घर नहीं गया और अब कोई है ही नहीं मेरे साथ, अकेला हूँ मैं, तू है, बाकी आए नहीं है सामान लेके, मेरी चाबी भी ले गए बाइक की, ऊपर से पेट्रोल भी महंगा कर दिया। आँखों के दर पे बैठे हैं कुछ यार पुराने और एक तुम, दिल से होकर गुजरे मेरे वो बीते जमाने और एक तुम, तेरी एक अदा के नाम किया सब है देवफा के नाम किया सब है देवफा के नाम किया यारों के सुख भी और गम भी, तेरी यादों के ये मौसम भी, आंखों में उतरा ये नम भी, ये रास्ता भी और हम दम भी, तू लगता है प्यारा इतना इस मेरे दिल में है जितना, तेरी एक अदा के नाम किया सब है।